बच्चों एक जो है पर्यावरण संरक्षण की शपथ ले ली है। हम लोग सभी जानते हैं किस तरीके से अपील है कि पर्यावरण को जो है प्रदूषण से हमारा वृक्ष बना बचा सकता है, इसलिए अधिक से अधिक जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए। हम लोग अपने जनपद में भी 11.5 लाख जो है वृक्ष लगाए हैं, इस बार भी हम लोगों को 22 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य मिला है। उसको हम लोग 15 अगस्त के पहले जुलाई से शुरू करेंगे, उसको पूरा कर देंगे। लेकिन सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अगल बगल जितने लोग हैं सबसे कहा गया कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो जन्मदिन हो, गांव घर में भी अगर कोई जो फंक्शन हो रहा है उसमें एक वृक्ष जरूर वृक्ष लगाएंगे। पर्यावरण न केवल पर्यावरण को दूषित होता है बल्कि जो हमारे देश की उर्वरा शक्ति है वो भी कमजोर होती है। तो आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं, बच्चों के माध्यम से किसान तक पहुंचना चाहते हैं, उन किसानों से कहते हैं कि आप जो है किसी तरीके से जो अवशेष हमारा फसल का जो अवशेष है उसको कटे नहीं लगाए, और आप लोगों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए। वृक्ष जो है परोपकारी है, हम सभी लोग पड़े वृक्ष करवाए, नदी में संचय नहीं परमार्थ के कार्य में साधु धना शरीर के वृक्ष है परोपकारी होता है। तो पर्यावरण जो है शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित बताने के लिए जो है ये वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेंगे, ठीक है? शपथ लेते हैं तो हाथ बढ़ा करके पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। हम शपथ लेते हैं कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा अवश्य रोपेंगे और पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करेंगे, साथ ही अपने मित्रों परिचितों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए उन्हें भी एक पौधा रोपने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर कल दे सकें। धन्यवाद सर। इस श्रृंखला में अब जो अगला कार्यक्रम है वो है हमारे जिला विज्ञान क्लब द्वारा स्वामी विवेकानंद